हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वेयर यूज्ड ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किन तत्वों का उपयोग किया जाता था। फर्स्ट कॉपर, सेकंड ब्रॉन्ज, थर्ड आयरन, फोर्थ सिल्वर। जैसा कि आप जानते हैं कि आयरन उस समय उपलब्ध नहीं था। आयरन उसके बहुत बाद, यानी कि जब वैदिक एज आया उस तब आयरन का खोज हुआ गंगा, मेनली गंगा वैली में। उसके बाद आयरन का यूज होने लगा। तो तीन नहीं होगा, और कॉपर, ब्रॉन्ज और सिल्वर। तो वन टू और फोर, यानी कि वन टू और फोर, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनफैक्ट जब वैदिक एज के बाद के ड्यूरेशन में आयरन का जब खोज हुआ, उसके बाद एग्रीकल्चर और बहुत सारी चीजों को बहुत प्रमोशन मिला। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द मुगल रूलर एसोसिएटेड विद इट। ही रीइंपोज्ड जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स, यानी कि जजिया और तीर्थयात्रा कर फिर से लगाया। पहले जजिया और तीर्थयात्रा कर लगा हुआ था, लेकिन उसके अकबर ने हटा दिया था। लेकिन इसके बाद फिर इस जो भी बादशाह के बारे में पूछ रहा है उसने फिर से लगा दिया। नेक्स्ट, ही लव्ड म्यूजिक एंड वाज आल्सो ए बीना प्लेयर, यानी उसे संगीत से प्यार था और वह एक बीना वादक भी था। तीसरा, ड्यूरिंग हिज रेन आर्किटेक्चर डिड नॉट रिसीव मच पैट्रोनेज, उनके शासनकाल के दौरान वास्तुकला को बहुत अधिक संरक्षण नहीं मिला। ये सारे गुण यदि देखेंगे तो औरंगजेब से मिलता था, क्योंकि औरंगजेब ने फिर से, यानी वो एक जो कट्टर मुस्लिम कहते हैं इस्लाम को फॉलो कर रहा था, तो उसने फिर से जजिया लगा दिया और तीर्थयात्रा कर फिर से लगा दिया। और वह म्यूजिक को प्यार करता था और एक बीना का वादक भी था, लेकिन उसने वास्तुकला पर बहुत अधिक संरक्षण नहीं दिया। इनफैक्ट वो अपने फादर से बहुत गुस्सा था जब उसने बहुत सारे पैसे ताजमहल और ये सब बनाने में लगा दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब। नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट गिफ्ट मेड टू प्रीस्ट्स इन द एज ऑफ ऋग वेदा, दे कंसिस्ट ऑफ। तो ऋग वेद, यानी सबसे पहला जो वेद है वो ऋग वेद है। उस ऋग वेद में जो ब्राह्मण यानी पुजारियों को जो दिया जाता था तोहफे के तौर पे, तो उसमें शामिल होते थे विमेन स्लेव्स और गायें, एंड ज्वेलरी और लैंड। लैंड का तब बहुत कोई ज्यादा मतलब नहीं होता था, मेन गाय पर ही, मैक्सिमम चीजें गाय पे ये स्थित थी। तो ओनली वन एंड टू, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू द इम्पैक्ट ऑफ द पोर्टुगीज ऑन इंडिया इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, यानी 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली यहाँ आए। पुर्तगाली सबसे पहले कब आए यहाँ इंडिया में? 1498 में आए कालीकट में। तो वहां से जब आए तो वो अपने साथ बहुत कुछ चीजें धीरे धीरे करके लाते गए। तो इसमें से पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स लाइक टोबैको एंड कैस्यू नट, यानी तंबाकू, काजू, मिर्च, पोटैटो, ये सब सारी चीजें पुर्तगालियों ने यहाँ लाया। तो ये हो जाएगा। दूसरा, पॉपुलराइजिंग प्रिंटिंग इन इंडिया, यानी प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में पॉपुलराइज करने का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। मेड इंडिया फेमिलियर विद यूरोपियन आर्ट, ठीक है, ये भी उन्होंने ये किया। इंट्रोडक्शन ऑफ नेवल फोर्स इन इंडिया, नहीं, इनफैक्ट इंडिया में नेवल फोर्स, नौसेना का शुरुआत बहुत पहले हो चुका था। इनफैक्ट जब आप चोला के बारे में देखते हैं तो चोल ने बहुत सारे दूसरे देशों में भी अपना नेवल सुप्रीमेसी के आधार पे उन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो डी नहीं होगा, क्योंकि नेवल फोर्सेस हमारे इंडिया में बहुत पहले से ही थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द मेथड्स यूज्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका 1893 यानी 1893 में गए। वो वकालत के लिए गए थे, कुछ केसेस वगैरह थे उसके कारण वहां पैरवी करने के लिए। लेकिन जब वहां गए तो उन्होंने भारतीयों की स्थिति और वहां रह रहे जो काले लोग थे उनकी बहुत समस्याएं उन्होंने देखी। तो
उन्होंने वहाँ आंदोलन स्टार्ट किया। उस आंदोलन में उनका जो मेथड था, तकनीक था, तो पेटिशनिंग यानी याचिका देना, पब्लिसिटी थ्रू प्रेस, समाचार पत्रों में वो लिखते थे उसके बारे में जो कुछ हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रही थी, जो शोषण हो रहा था उसके बारे में लिख रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा यानी कि सरकारी कानूनों को शांति ढंग से उसकी अवमानना। नेक्स्ट है फास्ट अनटू डेथ। फास्ट अनटू डेथ उन्होंने वहां कभी नहीं किया। आमरण अनशन, आमरण अनशन सबसे पहले गांधी जी ने जब इंडिया आए तो 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जब हुआ, अहमदाबाद मिल आंदोलन, उसमें उन्होंने किया। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने 1, 2 और 3 यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। He believed in the abolition of capitalism and class domination. वो capitalism यानी पूंजीवाद और जो वर्ग वर्चस्व यानी कोई ब्राह्मण है तो वो ऊपर रहेगा या किसी के पास बहुत अधिक पैसे है तो वो ऊपर रहेगा, इस चीज को उन्होंने ये माना कि ये खत्म होना चाहिए, यानी पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, पूंजी पे जो भी है वो सबका अधिकार होना चाहिए और किसी भी एक वर्ग का आधिपत्य और वर्चस्व नहीं होना चाहिए। तो ये सही है। He waged a political ideological campaign against लाला लाजपत राय for turning to communal politics. उन्होंने लाला लाजपत राय के खिलाफ सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए एक राजनीतिक वैचारिक अभियान चलाया। In fact, एक उन्होंने लेख लिखा था Why I am an atheist. तो उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि मैं धर्मों में मेरा कोई आस्था नहीं है, मेरा मुख्य टारगेट है भारत को आजादी दिलाना और सबको अधिकार मिले, देश के जो भी संपदा है, रिसोर्सेस है, उसका सब के बीच में वितरण होना चाहिए, उस पर सभी का अधिकार होना चाहिए। तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द बुद्धिस्ट काउंसिल दैट लेड टू फाइनल डिवीजन इन बुद्धिज्म इन टू पार्ट्स हिनायना एंड महायना वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। इसका आंसर श्रीनगर हो जाएगा। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए। पहला राजगीर, राजगृहा या राजगीर जो भी कहते हैं, राजगृह में उसके जो प्रमुख थे महाकश्यप और उस समय जो किंग थे वो अजातशत्रु। दूसरा जो हुआ वो वैशाली में हुआ साबाकामी के नेतृत्व में, उस समय बादशाह जो किंग थे वो कालाशोका। तीसरा पाटलिपुत्रा में अशोक के समय में हुआ और इसके जो मुख्य थे वो मोगली पुत्र तीसा। चौथा जो हुआ वो कश्मीर में हुआ और कनिष्क के शासनकाल में, और इसमें चीफ थे बसुमित्रा और इनके असिस्टेंट थे अश्वघोषा। तो यहाँ जो पूछ रहा है कि जिसमें 2 पार्ट में बौद्ध धर्म में डिवीजन हुआ, हीनयान और महायान, वो चौथे में हुआ जो श्रीनगर में हुआ कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट, द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन ऑन। तो ये करजन के समय हुआ, 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा की गई कि बंगाल को विभाजन किया जाएगा, लेकिन एक्चुअल विभाजन जो हुआ वो 16 अक्टूबर 1905। लेकिन यहाँ चूंकि डिक्लेरेशन कब हुआ तो ए हो जाएगा, 19 जुलाई 1905। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मेडाइवल टाइम यानी मध्यकालीन भारत में मंडपिका वाज यूज्ड फॉर, मंडपिका शब्द का उपयोग जो होता था वो शहर के एक मार्केट के रूप में होता था, अ टाउन मार्केट। ए, नेक्स्ट, विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू। ये इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। इसका कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट मेडाइवल बादशाह था, या मेडाइवल इंडिया में फर्स्ट ऐसा बादशाह था जिसने स्टैंडिंग आर्मी रखी। तो बड़े आर्मी के लिए उसे बहुत पैसे की जरूरत थी, तो उसने एक तो लगान जो था यानी कि जो टैक्स था वो टैक्स हाफ कर दिया 50%, और प्राइस को कंट्रोल करके रखा क्योंकि उसे मंगोलों के कई आक्रमण झेलने पड़े और
अपना एक्सपेंशन के लिए उसने बहुत सारे युद्ध लड़े, तो उसे बहुत बड़ी सेना रखने की आवश्यकता थी। इस वजह से उसने प्राइस कंट्रोल किया और उसने टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ये इसके आंसर की हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि आप टेस्ट सीरीज चल रहा है केन स्टडीज पे, आप जाकर के टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। जो ऑलरेडी रजिस्टर हैं वो टेस्ट दे सकते हैं। पहला टेस्ट सबके लिए फ्री है और बाकी टेस्ट आप मिनिमम पेमेंट पे दे सकते हैं। थैंक यू।